गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू छवि नेचुरल ब्यूटी विद छवि। और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। और आज है मुजफ्फरपुर में डे सेकेंड, यानी कि 2 दिन हो गए मुजफ्फरपुर में आए हुए मुझे। और अभी मैं ये पहनी हूँ ये कुर्ता, ये बॉटम, इसमें सब दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा मैं अलग से कैरी की। ठीक है, सुबह से पूछते हो क्या क्या की हूँ, तो सुबह से बैठिए बैठिए चाची, आप नहीं दिख रही हैं। आइए 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 चाची, फिर उठ के भागिए, चलिए बाद में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। आज अभी इस समय जो है मुजफ्फरपुर से निकल चुकी हूं, यानी कि अपने ससुराल से निकल चुकी हूं और अभी जा रही हूं मायके, यानी कि मुजफ्फरपुर से निकल चुकी हूं और पटना जा रही हूं। पटना के रास्ते में हूँ, सुबह सुबह जो है सो की चाय बना करके मैं खुद चाचा जी बजे उठी है 5:30 क्योंकि गोली रात बनाई सोई है, बिजली के चमकने की आवाज से बिजली चमक। और यहाँ देखिए गोली कैसे बैठी हुई है, मेरा सफर का साथी। तो चाय वगैरह बना करके हम लोग पी चुके हैं। चाय पीने के बाद सुबह सुबह अर्ली निकल जाइए पटना के लिए, तो ट्रैफिक आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो फिर बच्चा सबके लिए ले ही लीजिएगा, फिर कहाँ बारिश में वहाँ पे पटना में उतरिएगा। और उसके बाद जो है सो कि पटना के लिए निकल चुके हैं। गुड्डू अभी उतर रहे हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा चॉकलेट लेने के लिए। तो मैं बोली हूँ कि बाबू दोनों के लिए भी ले ही लीजिए, अमित के दोनों बाबू के लिए, क्योंकि पटना में कहाँ फिर रुकिएगा ऐसा है कि। ठीक है, इतनी गर्मी थी मुजफ्फरपुर में कि चेन देखिए मैं कहाँ पे पहनी हुई, गले में से निकाल के मैं चेन अपने हाथ में पहनी हूँ। इतनी गर्मी कि गला में लग रहा था कि क्या ही मैं करूँ, कूलर तो कुछ काम नहीं करता। और अभी आप सब देखे हो डेंटिंग पेंटिंग सब जो है सो कि अंदर में हुआ है, तो अभी जस्ट अभी 15 दिन पहले जो है वो डेंटिंग पेंटिंग खत्म हुआ है, तो कारण ये हो गया कि कटेन वटेन भी अभी नहीं लगा हुआ है। तो मौसम बारिश के मौसम में आई हूँ तो थोड़ा सा ठंडा वेदर है, कर्टन लगाने की जरूरत भी नहीं है, सब रॉड निकल गया। हाँ, सब रॉड निकला हुआ है अभी, क्योंकि नए डिजाइन से उसमें रॉड जो है वो लगना है। कर्टन हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लगा रहे हैं, वैसे वहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे बाबा ना उस जमाने में टेम्पर्ड ग्लास लगाए हुए, ना आर पार, ना बाहर से किसी को अंदर दिखता है, ना अंदर से बाहर। हाँ, उस जमाने में ना 91 में वो बंगला बना था हम लोगों का, और उस जमाने में जो है सो कि नीचे पूरा जो है सो कि पापा जो है वो चंदन या सागवान की लकड़ी है। हाँ, और ऊपर जो है वो भी सागवान या टिकुल की लकड़ी है, पूरा दरवाजा खिड़की सब ओरिजिनल वही लगी हुई है। मेरे फादर इन लोग बहुत 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 शौकीन थे, और सब कुछ जो भी है घर में प्लग से लेके हर एक चीज बहुत सोच विचार के, इतनी सोच विचार करके सब कुछ, हर एक पॉइंट उस घर में इतने पॉइंट है। मैं बोली कि मेरा तो रियल स्टूडियो यहाँ पे ही बनने वाला है। अभी प्लग्स या पॉइंट्स दिखाई हूँ वो उतने है, बहुत ऑलरेडी पापा बहुत बंद करवा चुके हैं, उसके बाद इतना है बंद करवा चुके, इन द सेंस परमानेंट नहीं, बस ऊपर से दिखता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, चाहे तो हम उसमें कुछ ना कुछ लगवा सकते हैं। सही बात है, तो चलिए मेरे हाथ में हो रहा है दर्द, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड्डू वहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वहाँ दिख रहा है क्या गुड्डू? हाँ दिख रहा है। वेलकम बैक, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी म्यारी सी छवि। और इस समय मैं जो है सो कि क्लाइमेट ऐसा लग रहा है कि मैं महाबलेश्वर की वादियों में जा रही हूँ, पूरा फॉगी है बारिश के कारण, एकदम फॉगी फॉगी हो रखा है। स्मॉगी नहीं, फॉगी, तो ये फॉगी हो रखा है, बट इतना फॉगी है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी बारिश, एकदम शिमला दार्जिलिंग वाला क्लाइमेट दिख रहा है, पूरा फॉगी फॉगी है, तो क्या ठंडी भी होगी?
कृपया करके। हाँ ठंडी है बट क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा चिपचिपाहट वाला क्लाइमेट है, ह्यूमिड वाला है क्लाइमेट, लेकिन देखने में जो मजा है ना बाहर जब आप गाड़ी से निकलते हो तो क्या ही बोला जाए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण सूचना जिस बात के लिए मैं वीडियो बनाना शुरू, मैं बोली कि कल आप ऑल आउट ऑन नहीं किए, मेरे पूरे फेस के ऊपर जो मैं जल्दी पहले कल सो गई गुड्डू को, तो गुड्डू एक्चुअली रात भर सो ही नहीं है, उनके ऑफिस का कुछ काम चल रहा था, रूट पे काम चल रहा था, तो इस चक्कर में गुड्डू रात भर जगे हुए थे। सुबह 5:30 गुड्डू सोने गए, 6 o'clock हमें निकलना ही था, 6:30 तो गुड्डू सोए नहीं, बहुत तेज बारिश हुई है। और मैं ना वो कूलर लगा हुआ था, तो मैं बोली कि कूलर वो पीछे प्लग एक और है उसमें लग जाएगा, तो वो दूसरे प्लग में ऑल आउट लगा देंगे, पीछे मेरे बेड के ठीक पीछे जो है उसमें जो है ऑल आउट इतना मच्छर काटा है मुझे गुड्डू, क्या की है मैं सो गई गुड्डू ऑल आउट ही नहीं लगा है। पूरी रात जो है मच्छर काट काट के इनको, तो इनका तो खून जो है ना ये करवा खून है, इसके कारण इनको मच्छर ही नहीं लगता है, मुझे तो इतना पूरे गाल पे मेरे मच्छर काटे हुए पता है क्या। और मैं अभी बोल रहा है मुझे एक बात बोलूँ क्या, कल तुम ना इतना एक ईमानदारी से बोलता हूँ मैं तुम्हें कि जब तुम सो ही रहती हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करता हूँ, मुझे लगता है कि आ हा हा कितना रिलैक्स होकर के सोई है। मैं बेड पे गई मैं कब सो गई मुझे पता नहीं, तो मैं बोली तो गोल्डी पीछे से कह रही है तुम्हें कहीं ये सोच करके तो नहीं अच्छा लगता है कि बीवी इतने देर चुप है, पापा कह रहे क्या सोच है तुम तो, तो मैं बोली हूँ क्या पतिदेव आपको सच में यही सोचते है क्या, जब तक छवि सोई है तब तक कम से कम मुंह तो बंद है ना भाई। हमेशा गुड्डू कहते हैं तुम जब सोई रहती हो ना तुम्हें मुझे देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता, हमेशा बहुत क्यूट लगती हो सोए में, इतना जोर से बोलेगी कभी कभी तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैंने एकदम गहरी नींद में सोई रहती हूँ, गुड्डू का आवाज बहुत भारी है, धीरे से भी बोलते है ना तो लगता है कि बहुत लाउड बोल रहे हैं, इनका आवाज बहुत बाई गॉड बहुत हाँ बहुत भारी, कैसे बहुत डेंजर, सामने से गाड़ी आ रही है तो पता ही नहीं चलेगा सडनली उतने देर में, कहेंगे क्या कितने प्यार से सोई है कितनी प्यारी लग रही है, लो इतना जोर से बोलते हैं कि मेरी नींद ही खुल जाएगी, मैं कहूंगी अरे क्या प्यार से सोई थी भाई, इतना जोर से बोलेगी मेरी नींद ही खुल गई, क्या यही वाली कहानी कह रही थी कि मेरे पूरे यहाँ पे मच्छर काट चुका है, ये जो मॉस्किटो बाइट है इसके लिए पैक लगाना पड़ेगा, कोई पुणे में जा करके पूरा ट्रीटमेंट शुरू करूंगी अपना पैक। ठीक है चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक आप लोग सीन एंजॉय कीजिए। हाल के सामने से गुजर रही हूँ, मामू मिलने की बहुत इच्छा हो रही है बट मैं आ नहीं सकती हूँ है ना, नहीं तो मैं सोची थी कि सरप्राइज आप लोगों को दे दूँ, सोची थी कि सीधा मैं पहुंच जाऊँ आप लोगों के पास और फिर आप मतलब मस्त मामी के हाथ का चाय पीऊं और फिर पटना जाऊं, लेकिन मैं अपने मन को जो है वो दबा करके जो है अपने ननिहाल के सामने से गुजर रही हूँ। ठीक है तो बोलते हैं ना ननिहाल से वीकनेस होता है, मुझे अपने ननिहाल से एक्चुअली मुझे ननिहाल से बहुत वीकनेस है क्योंकि मैं बहुत टाइम हॉर्न क्योंकि मैं समझिए तो समर वेकेशन हर साल मेरा मेरे ननिहाल में ही होता था, मामी दोनों के हाथ से आलू चना, बड़ी मामी के हाथ का आलू चना चावल रोटी में रिफाइन लगा हुआ पराठा ये सब मुझे अभी निकल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है सॉरी मामू। तो चलिए मैं अपने ननिहाल को क्रॉस कर चुकी हूँ, अब यहाँ से 20 किलोमीटर के करीब में पटना है, तो पटना पहुँचती है फिर मिलते हैं, मतलब पटना पहुँच घर का ब्लॉग अलग शुरू हो जाएगा बट पटना तक आप सब मेरे सफर में हैं। ठीक है ये जो हूँ सोनपुर के थोड़ा आगे पहुँच चुकी हूँ और मैं आप लोगों को गंगा माता के दर्शन कराने वाली हूँ,
अभी यहाँ पर पीछे जो आप देख रहे हो ये गंगा नदी ही है, पूरा पूरा गंगा नदी ही है। बट आपको मैं नए ब्रिज से जो है वो आपको गंगा माता के दर्शन कराऊंगी। गंगा माँ के गाना याद आ जाता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी। तो मैं अपने मानने के ऊपर है कि आपको क्या मानना है। तो मैं आप लोगों को जो है सो कि गंगा माता के पानी के दर्शन, उनके जो गंगा माँ है उनके दर्शन जरूर कराऊंगी, ठीक है? कोशिश यही रहेगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पटना मोस्टली पहुंचने ही वाले हैं और अभी पहुंच ही गए हैं एक्चुअली। अभी दीघा क्रॉस किए और पटना एंट्री, ठीक है? और आप लोगों को मैं गंगा माता के दर्शन करा चुकी हूं। आप लोग अपना कोशिशों के बाद जो अभी इधर गंगा माता अभी जहां से क्रॉस कर रही हूं पीछे गंगा माता दिख रही है, तो आप लोग जो है सो की प्रणाम कर लें। और जो लोग गंगा माँ को जाकर के देख नहीं सकते हैं, गंगा स्नान नहीं कर पाते, सोचते हैं कि एक बार तो गंगा माता के दर्शन हो जाते, तो मैं आप लोगों को दर्शन करा चुकी हूँ, है ना? और मन में मैं गा भी रही हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी। तो फाइनली पटना पहुंच चुकी हूँ और अपने भाई के फ्लैट से, भाई के सोसाइटी से 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। मुजफ्फरपुर से पटना आप लोग मेरे साथ साथ आ चुके हैं, तो आई होप कि इस ब्लॉग को आप इंजॉय करेंगे। सेम ड्रेस में ब्लॉग शुरू हो जाएगा, दूसरा ब्लॉग शुरू हो जाएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।